हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर जावा प्रोग्रामिंग के फ्री कोर्स में, जहां आज हम देखने वाले हैं नेटबीन्स इंस्टॉलेशन के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को। क्लास लेक्चर में मैंने आपको आईडीई के बारे में बताया था कि आईडीई क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है, और अब हम किस तरीके से जावा को यूज करेंगे आईडीई के साथ। अभी तक हम जावा के कोड लिख रहे थे नोटपैड में, और हमने नोटपैड में जावा का कोड लिखा, उसको कमांड प्रॉम्प्ट में जाके जावा सी कमांड को, जावा कमांड को यूज करके कंपाइल और रन करना देखा। लेकिन अब यहां पर हम स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जावा का पहला आईडी एडिटर हम देखते हैं यहां पे, विच इज अ नेटबीन्स। जैसा मैंने आपको कमिट किया है कि हम वीएस कोड भी देखेंगे, जावा फॉर वीएस कोड, हाउ टू यूज जावा इन वीएस कोड, लेकिन पहले हम देखते हैं नेटबीन्स के इंस्टॉलेशन को, और सेकंड स्टेप में हम वीएस कोड की बात करेंगे। ओके, तो यदि मुझे जावा के लिए नेटबीन्स को इंस्टॉल करना है, जो कि जावा का आईडीई एडिटर है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो सबसे पहली स्टेप में आपको इसको डाउनलोड करना है। तो आपको सिंपली गूगल पे जाके सर्च करना है डाउनलोड नेटबीन्स। ओके, और यहां पर आपको मिलेगी अपाचे नेटबीन्स रिलीज ऑफिशियल वेबसाइट, जिस पर आपको क्लिक करना है, एंड हियर यू विल, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहां पर आप देखिए, आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ आईडी रिलीज ऑन May 30, 2023, राइट। तो जो इसका अपडेटेड वर्जन है, जो May 30, 2023 को रिलीज हुआ है, इसको हम करते हैं डाउनलोड। ओके, और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से आपको एक और पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, तो इसीलिए ये मल्टीपल पेजेस पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। सो डोंट वरी, मैं इसके फाइनल जो डाउनलोडेड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके भी नेटबीन्स के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आई विल जस्ट क्लिक ऑन दैट। ये देखिए आप, यहां पर जब इसने आपको रिडायरेक्ट किया, तो यहां पर हमें नेटबीन्स के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग वर्जन यहाँ पे दिख रहे हैं, लाइक नेटबीन्स फॉर लिनक्स, नेटबीन्स फॉर मैक ओएस, नेटबीन्स फॉर विंडोज। तो जब मैं इस विंडोज पे क्लिक करूंगा तो अभी भी डाउनलोडिंग शुरू नहीं होगी, अगेन ये मुझे एक पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, और ये है फाइनल लिंक जहां पर आप आ गए अपाचे कम्युनिटी की वेबसाइट पे, और यहां पर आपको क्लिक करना है सीधे वन विच सजेस्ट द फॉलोइंग साइट्स फॉर योर डाउनलोडिंग, राइट। तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, तो मैंने आपको यही कहा है कि मैं आपको फाइनली जो डाउनलोडेड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन अब यहां पर आप समझिए, ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हेवी सॉफ्टवेयर है, इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम फॉर डाउनलोडिंग। ओके, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये नियर अबाउट 500 MB का सॉफ्टवेयर है, तो इस पे क्लिक करा तो आप देखिए ये आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, इट इज नियर अबाउट 466 MB। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसीलिए मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है। आप इसको कंप्लीटली डाउनलोड कर लें, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करें। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूं ताकि थोड़ा सा टाइम हमारा सेव हो जाएगा, लेकिन आपको वेट करना है जब तक डाउनलोडिंग कंप्लीट ना हो जाए, राइट। और वंस द डाउनलोडिंग इज कंप्लीट, तो आपको यह मिलेगा डाउनलोडेड फोल्डर में, और आप डाउनलोडेड फोल्डर से इसको अपने फोल्डर में कॉपी कर लें, जो भी आपका रिक्वायर्ड डिजायर्ड फोल्डर है। जैसे मैंने जावा सेटअप के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, और आप देखिए ये है इसका, जो मैं आपको इसका व्यू बताता हूं, सी दिस वन, ठीक है। ये आपको अपाचे नेटबीन्स का जो डाउनलोडिंग के बाद जो सॉफ्टवेयर है वो ये मिलेगा फॉर नेटबीन्स, और ये हमारा जावा का सेटअप है, राइट। लेकिन आप नेटबीन्स के पहले ये कंफर्म कर लें कि आपके सिस्टम पे जावा इंस्टॉल्ड है, और आई होप ये क्वेश्चंस आई थॉट कि मुझे नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम मल्टीपल प्रोग्राम जावा के बना चुके हैं, तो JDK ऑलरेडी हमारी मशीन पे है। तो इसलिए मैं आपसे ये सजेशन आपको दे रहा हूं, क्योंकि नेटबीन्स जो है वो जब इंस्टॉल होगा तो वो JDK आपके सिस्टम का यूज करेगा। इट्स एन एडिटर, ये केवल एक एडिटर है जो कि आईडीई एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है, लेकिन इट रिक्वायर्ड JDK इन द ड्यूरेशन ऑफ इंस्टॉलेशन। ये आपसे JDK का पाथ पूछेगा, और डिफॉल्ट पाथ ये पिक कर लेगा अगर ऑलरेडी JDK इंस्टॉल्ड है तो, और अगर JDK नहीं है देन देयर इज अ प्रॉब्लम विद इंस्टॉलेशन ऑफ नेटबीन्स। तो आई होप आपने JDK को इंस्टॉल कर लिया है। ओके, तो अब मुझे इस पे क्लिक करना है, आई विल जस्ट गो टू दिस रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और आप इस पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा इसके इंस्टॉलर पे, तो अब यहां से इसका इंस्टॉलेशन शुरू होगा, ठीक है, और ये इंस्टॉलेशन भी थोड़ा सा टाइम लेगा, तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे यहां पे। सो दिस इंस्टॉलेशन इज नाउ स्टार्ट। तो अब देखिए ये, अब यहां पर सबसे मेन इस विंडो को आप ध्यान से समझिए, ये है कस्टमाइज विंडो, क्योंकि नेटबीन्स इज नॉट ओनली यूज फॉर जावा, इट्स अ मल्टीपल, इट इज यूज फॉर मल्टीपल सॉफ्टवेयर, राइट। तो यहां पर आप देखिए ये बोल रहा था इंस्टॉलेशन, द इंस्टॉलर विल बी इंस्टॉल द नेटबीन्स आईडी विद द फॉलोइंग पैक्स, रन टाइम क्लिक। तो यदि आप सबकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसको
नेक्स्ट पे क्लिक करें, दैट डिपेंड्स, ये टोटल मिला के 929 MB का सॉफ्टवेयर होगा अगर आप सबको लेके चलते हैं तो। लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट इन सबकी नहीं है, लाइक हमें बेस आईडी चाहिए, जावा एसी चाहिए, एंटरप्राइज एडिशन चाहिए, HTML5, PHP की भी हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस कस्टमाइज ऑप्शन और आप देखिए यहां पर अभी आपको सभी की रिक्वायरमेंट है। सो जस्ट क्लिक ऑन ऑल ऑफ दिस। मैं अभी यहां से PHP को हटा देता हूं, बिकॉज राइट नाउ आई डोंट नीड दिस PHP, लेटर ऑन हम इसको अपडेट कर सकते हैं, नॉट टू वरीड अबाउट दिस। ठीक है, तो ये अभी बता रहा है कि टूल्स फॉर PHP एप्लीकेशन इंक्लूडेड PHP एडिटर। तो अभी हमें मेनली बात करनी है जावा की। मैं HTML हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में जब हम एडवांस जावा पे जाएंगे तो वहां पर हमें HTML की रिक्वायरमेंट होगी, इंटरप्राइज एडिशन, ठीक है, स्टैंडर्ड एडिशन, जावा AC जो कि हमारा कोर जावा का कॉन्सेप्ट है, और जावा का बेस आईडी, राइट। तो इनको मैंने यहां पर लिया, वन PHP को मैंने अभी हटा दिया, स्टिल इट इज 903 MB, ओके, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, और ये लाइसेंस है, जस्ट एक्सेप्ट दिस लाइसेंस एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये देखिए आप, ये बाय डिफॉल्ट, ये देखिए, ये देख रहे हैं आपको, ये उसने आपके सिस्टम से JDK लिया है, क्योंकि हमारे पास JDK 20 इंस्टॉल्ड है, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हाउ टू इंस्टॉल JDK फॉर योर मशीन। तो ये आपको कंपलसरी इंस्टॉल करना है, और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे जावा इंस्टॉलेशन के वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको जावा के लिए अपने सिस्टम को रेडी करना है। पर अगर आप इस स्टेप तक आए हैं तो इसके पहले हम काफी कुछ पढ़ के इस स्टेप तक आए हैं, और हमने मल्टीपल जावा के प्रोग्राम ऑलरेडी रन कर चुके हैं, राइट। तो ये हमारी जावा की लोकेशन है, सी प्रोग्राम फाइल जावा JDK, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक, अगर आपको अपडेट्स फ्यूचर में चाहिए सो यू कैन गो फॉर चेक फॉर अपडेट्स, लेकिन मैं फिलहाल इसको अभी हटा देता हूं, नहीं तो वो बीच बीच में एप्लीकेशन, क्योंकि अगर आप नेट कनेक्टेड है तो वो आपको अपडेशन देता रहेगा, हम इसको बाद में भी यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल इसको अपडेट के चेक को हटा रहा हूं, आप चाहें तो इसको चेक रख सकते हैं, दैट इज योर रिक्वायरमेंट, राइट। तो ये देखिए, द नेटबीन्स इंस्टॉलर ऑटोमेटिकली चेक फॉर अपडेट इंस्टॉलेशन प्लगइन्स यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन। तो हम यही चाहते हैं कि अभी हमें हमारे एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को बार बार अपडेट नहीं करना है, अभी मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई हम इसको अभी हटा देते हैं, राइट। तो अब मैं क्लिक करूंगा इंस्टॉल पे, एंड इट टेक्स सम टाइम, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, दैट डिपेंड्स कि आपके सिस्टम की स्पीड क्या है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये इंस्टॉलेशन में, और आप जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम फिर इसमें अपनी पहली एक एप्लीकेशन बना के देखेंगे, ठीक है। तो देखिए फास्टली थोड़ा सा इंस्टॉल हो रहा है, पर टाइम लेगा, मैंने आपको बोला है ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो We'll just wait for some times कि ये complete हो जाता है। आप देखिए, this is what the installation completed successfully, and when installation completed successfully, I'll just click on this finish option। तो जब इस Apache NetBeans का installation complete हो जाएगा, then I'll find this shortcut in my desktop। मेरे system पे desktop पे एक shortcut होगा, right? अब मुझे इस पे क्लिक करके NetBeans को यूज करना है। तो मैं future में आपके लिए NetBeans का एक specific video और एक पूरी series बना दूंगा, so that you can easily understand each and every option of the NetBeans। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर हम इसमें एक प्रोजेक्ट बना के किस तरीके से उसको रन करना है इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, क्योंकि NetBeans itself is a very big software, right? तो इस पर हमने डबल क्लिक किया, राइट। तो यहाँ पर अब आप समझिए, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे स्टार्ट ओपन NetBeans, राइट, तो यहाँ पर अब मुझे इसके पहले क्या करना है, एक एम्प्टी फोल्डर क्रिएट करना है, ताकि हम हमारी जितनी भी एप्लीकेशन है उस एम्प्टी फोल्डर में रख सके, राइट। तो NetBeans के ओपन के पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये देखिए आप, ये NetBeans का सॉफ्टवेयर मेरा ओपन हो चुका है, लेकिन उसके पहले मुझे क्या करना है, अपना एक फोल्डर क्रिएट करना है, ताकि मैं अपने सारे प्रोग्राम उस फोल्डर में सेव कर लूं। तो हमने सपोज एफ ड्राइव में यहां पर मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट किया, और सपोज मैंने इस फोल्डर का नाम रख दिया माय जावा डेटा, ठीक है, इसको मैंने नाम रख दिया जावा डेटा के नाम से सपोज। तो अब मैं अपना NetBeans का जो एप्लीकेशन है हम उस जावा डेटा में सेव करेंगे। तो आप देखिए, मैंने आपको अभी क्या बोला, आई विल क्रिएट अ सेपरेट सीरीज फॉर दिस NetBeans, क्योंकि इसके एक एक ऑप्शंस को अगर हमें समझना है तो इट टेक्स अ टाइम। लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पे एक सिंपल एप्लीकेशन बना के देखते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहां पर हमें जाना है जावा विथ एंट में, आपको ये ऑप्शन मिलेगा जावा विथ एंट, एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस जावा एप्लीकेशन एंड देन गो टू नेक्स्ट। तो ये आपसे पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम, कि आपके प्रोजेक्ट का नाम आपको क्या रखना है, राइट। तो यहां पर आप समझिए कि ये प्रोजेक्ट का नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसे मैंने बोल दिया मान लो माय फर्स्ट माय प्रोजेक्ट सपोज, ठीक है, माय
प्रोजेक्ट, ये मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया ओके। और लोकेशन हमें क्या देना है, वो फोल्डर जहां पर अभी हमने जो अभी हम क्रिएट करके हैं, ठीक है। तो हमने इसको बता दिया दिस ड्राइव एफ ड्राइव में जावा डेटा विच इज एन एम्प्टी फोल्डर ओके। और अब इसको हमने ओपन किया और आप देखिए ये जो ऑप्शन आ रहा है क्रिएट मेन क्लास, इस क्रिएट मेन क्लास पे अगर आपने चेक रहने दिया तो ये क्या करे, मतलब नेटबीन्स विल ऑटोमेटिकली क्रिएट अ क्लास और उस क्लास में आपको बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मिल जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको डिफॉल्टली एक क्लास चाहिए जहां पर मेन होना चाहिए तो आप इसको चेक रहने दें ओके। चलिए मैं इसको चेक रहने देता हूं एंड क्लिक ऑन दिस फिनिश एंड देन आफ्टर इट विल क्रिएट दिस प्रोजेक्ट। और आप देखिए ये प्रोजेक्ट मेरा आ गया और आप देखिए जो मैं आपसे बोल रहा था कि बाय डिफॉल्ट देयर इज अ क्लास कॉल्ड माय प्रोजेक्ट, उसने पैकेज भी बना दिया, उसने माय प्रोजेक्ट भी बना दिया और उसने उसने मुझे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी रेडी करके दिया। ये इसलिए क्योंकि हमने वो चेक रहने दिया था जो मैंने आपको बताया था क्रिएट मेन क्लास ओके। तो अब यहां पे सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू राइट सिस्टम। और आप देखिए नेटबीन्स में आपको जो सजेशंस मिलेंगे कि अगर मैंने लिखा सिस्टम डॉट सो आई विल गेट दिस सजेशंस हियर राइट। इवन दो आप देखिए शॉर्टकट्स की अगर आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना है सिंपली यू हैव टू राइट एस आउट टैब। तो जब आप एस आउट के साथ टैब बटन को क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इट विल प्रिंट दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सो दिस इज व्हाट द एडवांटेज टू यूज एन एडिटर, ठीक है। और अभी आपको यहां पर ये तीन व्यू दिख रहे हैं, प्रोजेक्ट व्यू, फाइल व्यू और सर्विसेज। तो फिलहाल अभी आपको प्रोजेक्ट व्यू पे जाना है क्योंकि मैं अभी आपको केवल एक सिंपल प्रोग्राम यहां पर रन करके बता रहा हूं। तो हमने क्या लिख दिया, सपोज यहां पे एस आउट वेलकम इन नेटबीन्स और जावा एप्लीकेशन, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट लाइन पे हमने लिख दिया एस आउट मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डेटा फ्लेयर प्री जावा कोर्स, ठीक है। और अब इसको अगर आपको रन करना है तो यहां पर आप देखिए जब हम नोटपेड पे काम कर रहे थे तब वहां पर हमने क्या किया, नोटपेड को यूज किया एज एन एडिटर। पर नोटपेड मैंने आपको डे वन पे कहा था कि नोटपेड इज नॉट एन एडिटर ऑफ जावा, नोटपेड जावा का एडिटर नहीं है। तो हमने क्या किया था, हम कमांड प्रॉम्प्ट पे गए थे, वहां पर हमने जावा सी कमांड यूज की, जावा कमांड यूज की, बट हियर नॉट टू वरीड अबाउट दिस। सिंपली आपको राइट क्लिक करना है इन योर फाइंड एन ऑप्शन रन फाइल और इसका शॉर्टकट है शिफ्ट F6। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस तो ये एप्लीकेशन को रन करेगा एंड यू विल गेट दिस आउटपुट। ये है आपके आउटपुट विंडो, ये देखिए दिस इज व्हाट योर आउटपुट विंडो, वेलकम इन नेटबीन्स फॉर जावा एप्लीकेशन डेटा फ्लेयर फ्री कोर्सेस। अब यहां पर अगर आपको लगता है कि यू नीड टू क्रिएट अ न्यू फाइल, आपको नई फाइल बनाना है, तो आपको नया प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, इसी प्रोजेक्ट में ये जो माय प्रोजेक्ट आप देखिए, ये माय प्रोजेक्ट में आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये माय प्रोजेक्ट मिलेगा, इसी पे राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास। और यहां पर मान लो मैंने सेकंड अपना प्रोग्राम बना लिया, सपोज मैंने इसको नाम दे दिया एनीथिंग, आई कैन जस्ट टेस्ट, ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया टेस्ट ओके। तो ये फिनिश और आप देखिए अब इस क्लास टेस्ट में आपको मेन नहीं मिलेगा, तो हियर यू हैव टू राइट पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। तो उसके लिए भी आपको पूरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं लिखना है, सिंपली PSVM टैब। तो आपको सिंपली ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में बाय डिफॉल्ट मिल गया एंड देन एस आउट टैब, ठीक है। और यहां पर आपने लिख दिया वेलकम अगेन द नेक्स्ट प्रोग्राम जो भी आप बनाना चाहते हैं, दिस इज माय सेकंड प्रोग्राम इन नेटबीन्स, ठीक है, एंड सिंपली शिफ्ट F6 एंड यू विल गेट आउटपुट, This is my second program in NetBeans. तो इस तरीके से आप इसमें मल्टीपल प्रोग्राम कहां पर क्लिक करना है आपको, ये जो आपका पैकेज है माय प्रोजेक्ट, इस पे राइट क्लिक करके न्यू एंड जावा क्लास। तो आप ऐसी मल्टीपल फाइल बनाते रहिए, हर प्रोग्राम के लिए आपको नया प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, नो नीड टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट एवरी टाइम, आपको हर बार नया प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करना है, सिंपली यहां पर आपको नई फाइल जावा क्लास बनाते रहना। तो दिस इज हाउ टू use NetBeans for Java, कि किस तरीके से आप NetBeans को use करेंगे Java के लिए, and don't worry there are multiple options available in this NetBeans, तो step by step मैं आपको NetBeans के हर options के बारे में बताऊंगा, ठीक, क्योंकि ये बहुत ही शानदार editor है for Java application, जहां पर आपको multiple shortcut मिलते हैं, जैसे अभी हम आगे exception handling पढ़ेंगे, so try and simply it prints try catch, अगर आपको for loop लगाना है, ठीक है, तो simply you have to write for and you will get this for loop automatically, for or tab, simply you have to write for tab and this for loop is automatically you will get alt insert से
ठीक है, लाइक ऑल्ट इंसर्ट यू विल गेट दिस कंस्ट्रक्टर, आपको अगर कंस्ट्रक्टर बनाना है यू कैन जनरेट अ कंस्ट्रक्टर मेथड, ये सारे कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, नॉट टू वरीड अबाउट दिस, लेकिन जस्ट वेट फॉर सम टाइम, ओके। तो आई होप ये नेटबीन्स का इंस्टॉलेशन वीडियो आपको समझ में आया है, और यदि समझ में आए तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और बने रहिए अभी इस जावा के कोर्स में, क्योंकि अभी उड़ान बाकी है, ये तो अभी हमने केवल शुरुआत की है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।